फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे प्रोटीन फाइबर रिच ब्रेकफास्ट, जिसे हम मिक्स दाल से बनाएंगे। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या फिर आप डाइट पर हैं तो आप इसको पेट भर खा सकते हैं और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2/3 कप ली है अरहर की दाल। 1/4 कप लेंगे हम यहाँ पर हरी दाल जो आती है ना, मूंग छिलके वाली वो। 1/3 कप यहाँ पर ली है मैंने जो मूंग दाल बिना छिलके वाली, यानी कि येलो वाली जो मूंग दाल होती है वो। 1/2 कप ली है मैंने चना दाल। 1/4 कप यहाँ पर मैंने ली है उड़द की दाल। और 1/2 कप लिए हैं मैंने यहाँ पर चावल। चावल से क्या होगा, हमारा जो नाश्ता है क्रिस्पी बनेगा और उसमें बाइंडिंग आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2-3 बार अच्छे पानी से धोकर और 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। मैंने 3-4 बार अच्छे से दाल को धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे सोख होने के लिए। तो हमारे 4 घंटे हो गए हैं, हमारी जो दालें हैं अच्छे से सोख हो गई हैं। और आप देख सकते हैं सोख होने के बाद ना इनकी जो क्वांटिटी है वो डबल हो गई है। तो मैं यहाँ पर एक दाल आपको तोड़कर दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और इसके अंदर अपनी दाल ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी दाल ना 2 पैचेज में पीसूंगी। अब इसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी डाल देंगे और लिड लगाकर इसे फाइन पीस लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा बॉल ले लेंगे और जो हमने दालें पीसी है ना बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और बची हुई दाल भी हम इसी तरीके से पीस लेंगे। तो ये लीजिए, हमने बची हुई दाल जो थी वो भी पीस ली है। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पानी जो डाला था इसमें मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा 1 मिनट तक इसे फेंट लेंगे। एक मिनट इसको अच्छे से फेंट लिया है तो यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी एक बार देख लें अच्छे से, जिससे हमारा बैटर है थोड़ा रुक रुक के गिर रहा है, ज्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे हम डोसा बनाने के लिए रखते हैं ना, वैसा यहाँ पर मैंने बैटर रखा है। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें इस तरीके का ही बैटर की जरूरत होगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल लेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पर मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। मिला लेंगे नमक भी। अब इसको लेकर चलते हैं गैस की तरफ। हमारा बैटर एकदम तैयार है नाश्ता बनाने के लिए। मैंने ना यहाँ पर 2 सा तवा ले लिया है। आप नॉन स्टिक पैन या 2 से तवा किसी का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर लेंगे। तवा हमारा यहाँ पर गर्म हो गया है। अब हमारा जो बैटर है उसको एक बार हम अच्छे से चला लेंगे और एक लैडर भरकर सेंटर में डाल देंगे और जिस तरीके से हम डोसा फैलाते हैं ना इसको फैला देंगे। और फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी मिक्स दाल का चीला या फिर मिक्स दाल का जो डोसा है ना ऊपर से ड्राई हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ली है सेजवान सॉस। आप इसकी जगह टोमेटो केचप भी ले सकते हैं या फिर हरी चटनी का भी यूज कर सकते हैं। इस पे एक स्पून की हेल्प से फैला देंगे अच्छे से। और ये यहाँ पर मैंने पनीर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पे थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर देंगे। आप चाहे तो इसको बिना पनीर के भी बनाकर खा सकते हैं, ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। पर बच्चों को ना इस तरीके से बना के देंगे तो उनको बहुत पसंद आएगा और बच्चे पूरा टिफिन या ब्रेकफास्ट फिनिश कर देंगे जब आप उनको इस तरीके से बनाकर देंगे। और इस पे मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर ली हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, थोड़े से ओरेगानो। इस पे चूल्हा की हेल्प से इसे हम किनारों से इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारा अच्छे से सीख गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे। देखिए हमारा जो मिक्स दाल का चीला या फिर डोसा बनकर तैयार है, इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। सब पानी डालकर तवे का टेम्परेचर कम कर लेंगे और तवे को टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेंगे। फ्लेम कम ही रखेंगे यहाँ पर। फिर से बैटर को मिक्स करेंगे और 2 लैडर भरकर सेंटर में डाल देंगे, फैला देंगे इसको। फ्लेम अब हम मीडियम कर देंगे। हमारा जो चीला है ऊपर से ड्राई हो गया है। फिर से हम जो अपनी सेजवान सॉस है ना इस पे स्प्रेड कर देंगे, पनीर ग्रेट कर देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, काली मिर्ची का पाउडर, ओरेगानो, थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा इस पे नमक स्प्रिंकल कर देंगे।
किनारे में थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे ब्रश या फिर स्पून की हेल्प से। अब हम क्या करेंगे, पलटे की हेल्प से इस तरीके से किनारे से इसको रिमूव कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वेट कम कर रहे हैं या फिर आप डाइटिंग पे हैं तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। पेट भर खाएंगे तब भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, शाम को इवनिंग स्नैक्स में, या फिर आप इसे डिनर में भी खा सकते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। पलट लेंगे इसको पलट लेंगे और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी सारा नाश्ता इसी तरीके से बना लेंगे। तो आप यहाँ पर आवाज सुनिए, देखिए कितना क्रिस्पी बना है। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने दो नाश्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। बाकी मैं नाश्ता तब बनाऊंगी जब बच्चे खाएंगे। तो इसको यहाँ पर मैंने सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ और मेयोनीज के साथ। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसे दालों से बनाया है। दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।